कल बजट पेश हुआ तो विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए। आज विपक्ष संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करता हुआ दिखा, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। अपोजिशन विरोधी बजट। सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ दो राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो एक दो राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य दो राज्य का कहना, ये बहुत गलत बात है। राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को माताजी कहा, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने तुरंत उनको टोका और कहा कि आप उन्हें माताजी कह रहे हैं, वो आपकी बेटी की उम्र की है। सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, सो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी ये तो माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। सपा सांसद लालजी वर्मा ने बजट को बताया किसान विरोधी और किसानों की कर्ज माफी की कोई व्यवस्था नहीं, ये बात रखी और कहा कि MSP गारंटी की कोई गुंजाइश नहीं दिखी है। नौजवानों को स्थायी रोजगार देने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि OBC SC ST समाज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों के जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी उनकी मांग है MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी का कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कर्जदार है किसान, उसके कर्ज माफ का कोई इसमें जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले, उसका भी कोई गुंजाइश नहीं है। उर्वरकों पर छूट की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उर्वरकों का बजट कम किया गया है। कृषि यंत्रों पर 28% GST है, उसको कम करने का इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह से ये पूरी तरह से किसान विरोधी बजट है और साथ ही साथ नौजवानों को अस्थाई रोजगार देने का कोई गारंटी इस बजट में नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो बजट है देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार बनेगा, साथ ही SC ST और OBC के लोगों को, समाज को सशक्त बनाएगा, ऐसी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए, जहाँ तक OBC और SC ST समाज का सवाल है, ये सरकार जब से आई है उनके अधिकारों को समाप्त करने पर लगी हुई है।
मिश्रिक से बीजेपी सांसद अशोक कुमार रावत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने पर सांसद ने अधिकारियों पर आरोप लगाया। बीजेपी सांसद के मुताबिक अधिकारियों ने बहुत देर से कार्यक्रम की सूचना दी थी और जिस कारण वो 20 जुलाई को सीतापुर में हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और इस कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुई थी और वहां अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और फिर अब सांसद ने पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो इस कार्यक्रम में अव्यवस्था पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काफी नाराज हुई थी और उन्होंने ओपन माइक पर सभी से अपनी ये नाराजगी व्यक्त भी की थी। अब सांसद अशोक रावत ने गवर्नर को पत्र लिखा है और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।